नहीं है। लेकिन बात करते हैं जरा ग्रैम स्मिथ के इस रोल के हवाले से कि जो ग्रैम स्मिथ का रोल है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, इससे पहले भी जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पे गई तो उनके मेन प्लेयर जो थे वो आईपीएल खेलने के लिए चले गए और जो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ की टीम थी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेली, और अब एक मरतबा फिर जो है ग्रैम स्मिथ जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान भेजने के लिए, पाकिस्तान के साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं है। बताइए क्या गाइस, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान कि जो एक लीग होती है उसमें साउथ अफ्रीका के प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, मतलब जो एक्चुअली में आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का अगर मतलब समझते हैं तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेन वीडियो देखना है तो इतना वीडियो स्किप करो और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुँचो। तो ग्रेम स्मिथ ने फैसला लिया है, जो सेंट्रल बोर्ड साउथ अफ्रीका के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने दबे लफ्ज़ों में भारत पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है और भारत को इस चीज़ का जिम्मेदार बताया है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, हालांकि आपको बता दूं कि आईपीएल की जो अर्निंग होती है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ भी शेयर की जाती है। जिस क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं 10% हिस्सा क्रिकेट बोर्ड को जाता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा कुछ है नहीं, भारत की आईपीएल में ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम भी जब आईपीएल हो रहा था तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी तो बिल्कुल सी टीम खिला दी थी साउथ अफ्रीका ने और आईपीएल के लिए वो चले गए। ये बात है कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। फिर जो है ग्रैम स्मिथ जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको पाकिस्तान भेजने के लिए, पाकिस्तान के साथ खिलाने के लिए तैयार नहीं है। बताइए क्या सिलसिला है ग्रैम स्मिथ, आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए एक लॉबी है, क्योंकि अब इनके जो खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल जाके खेलते हैं और वहाँ उनको पैसा इतना मिलता है कि वो अपनी उस पैसे को छोड़ना नहीं चाहते। इनको ये भी है कि हो सकता है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनसे नाराज़ ना हो जाए और हम पीएसएल में लड़के भेज दें, तो ऐसी ये जो है कोई कहानी उनकी ख़राब ना हो जाए। देखिए जब आप पाकिस्तान की टीम का टूर था जनूबी अफ्रीका का, वहाँ पर तो आपने टेस्ट मैच खेलने थे, वनडे T20 खेलने थे, वहाँ आपने 8 से 9 खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने भेज दिया और यहाँ पर आपका डोमेस्टिक सीज़न है और डोमेस्टिक सीज़न पर जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट के जो आपके प्लेयर हैं उनको आप पीएसएल खेलने नहीं आने दे रहे, तो ये कौन सा तरीका है? मेरे ख्याल में क्रिकेट में ऐसा सलमान भाई नहीं होना चाहिए। जब आप यहाँ पीएसएल में ऐसी है कि एक ब्रांड बन चुका है और यहाँ पर हर एक मुल्क ने, हर एक खिलाड़ी ने, बड़े प्लेयर ने इस ब्रांड की, इस पीएसएल की तारीफ इसलिए ये कि यहाँ बॉलिंग का मैार जो है सब जगह ये कह रहे हैं कि अगर आप पीएसएल को, आईपीएल को देखें और पीएसएल को देखें तो यहाँ बॉलिंग का मैार आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। हाँ, पैसे का मैार आपको वहाँ ज़्यादा नज़र आएगा कि वहाँ करोड़ों रुपये मिल जाते हैं, यहाँ उससे थोड़े से कम मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो क्रिकेट पाकिस्तान में मिलती है वो बेहतरीन क्रिकेट मिलती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें किसी की बात हो, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई ताने बाने इनके उन्हीं क्रिकेट ताने बाने मिलने भी हो गए। इमरान आप क्या कहते हैं, जो ताने बानों की बात हो रही है, एक तो ये बदी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ताने बाने मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जब यूएई में जो आईपीएल के मैचेस नहीं खेले जा रहे थे तो फिर जो आईपीएल का वेन्यू था वो एक जमाने में साउथ अफ्रीका भी रहा है, तो बड़े गहरे और क्लोज रिलेशनशिप है बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, तो क्या उसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आती हैं? सिवाय पाकिस्तान के उनके सबके साथ गहरे मरासम है और उस गहरे मरासम की वजह आपको पता है कि चूंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट के सब लोग वहाँ पर खेलते हैं और एक अरसे से वहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग भी खेल रहे हैं, जो इस वक्त उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है इसके दो पहलू हैं अली। एक तो ये है कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ये मौकफ इख्तियार किया, ये फैसला किया कि आप उसको तरजीह देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप ये कहेंगे कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देना चाहते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होगा, जैसे जैसे अभी बदी ने जिक्र किया कि जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गई थी और दो मैचेस हो चुके थे और आखिरी मैच था जिसमें सीरीज का फैसला होना था और उस तीसरे मैच के लिए लगभग 4 या 5 प्लेइंग 11 में से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी वो मैच छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए वापस आ गए थे। तो अब अगर आप ये दो किस्म के फैसले हैं और ये दो किस्म के रवैये हैं, अगर तो उन्होंने इस डोमेस्टिक, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए ये फैसला किया है तो फिर आने वाले वक्त में ये देखना पड़ेगा कि जब और मुल्कों में लीग्स हो रही हैं, भले वो लंकन प्रीमियर लीग है, भले आईपीएल है, भले सीपीएल है, भले T10 है या किसी भी T20 ब्लास्ट है या किसी भी जगह पर T20 लीग हो रही है, तो उस वक्त ये देखना पड़ेगा। द 100 हो रही है तो क्या उस वक्त साउथ अफ्रीका में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट चल
रही है या उनकी बैन अल्कवावी मसरूफियात हैं, तो क्या वो अपनी टीम को छोड़कर उन लीग्स में जाते हैं या फिर अपनी टीम के लिए या फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए खेलते हैं? अगर खालिस्तान उन्होंने ये फैसला अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए किया है तो फिर तो पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा। आपको लगता है इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, यहाँ पे जो प्लेयर एसोसिएशन है बड़ा फाल रोल प्ले करती है, आपको ऐसा लगता है कि जो प्लेयर एसोसिएशन है वो जरूर इस हवाले से कोई बात जरूर करनी चाहिए या करेगी क्रिकेट साउथ अफ्रीका से, ग्रैम स्मिथ से, कि प्लेयर्स का जो है वो माशी तौर पे जो है इस्तेहसाल ना हो और प्लेयर्स को पीएसएल खेलने के लिए भेजा जाए? देखिए ये प्लेयर्स एसोसिएशन जो जिन मुल्कों का आपने हवाला दिया है उनमें ज्यादातर जो मुतहर्रिक वो नजर आते हैं ना, वो जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रही होती है ना उस वक्त ज्यादा नजर आते हैं। बाकी आपको मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज्यादा वो मुतहर्रिक नजर आए होंगे। वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आकर यहाँ पर खेलने से वापस चली गई? क्या पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के कोई जज्बात नहीं है? क्या वो क्रिकेट को नहीं देखना चाहते थे? क्या जब इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ियों को वापस लिया वो प्लेयर्स एसोसिएशन उस वक्त कहाँ थी जब वो वापस चले गए? और ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए किसी मखसूस एक लोगों को या मुल्क को आप निशाना बनाकर ये लोग मुतहर्रिक होते हैं और उस वक्त ये बातचीत करते हैं। अब ये जो जब आप दूसरे मुल्कों के हवाले से ये बात करेंगे ना प्लेयर्स को मुआशी हक हासिल है तो फिर वो मुआशी हक सब लीगों के लिए होता है, या तो फिर आप अपने प्लेयर्स को उस तरह के पैसे दे देते हैं उसके जवाब में कि हम आपको इतना आपका पीएसएल खेलने से नुकसान हो रहा है तो हम आपको देंगे। और अगर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ये फैसला करती है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को देना है तो फिर दीगर ममालिक भी ये इसी तरह ही सोचेंगे। आप देखें कि इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है एशेज सीरीज में, 3 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं। एशले जायल्स ने जिस तरह कहा कि हमें अपने निजाम में तब्दीलियों की जरूरत है, एन बोथम ने ये कहा कि अगर आप अपनी टेस्ट क्रिकेट को या रेड बॉल क्रिकेट को नहीं बचाएंगे तो आपके पास क्रिकेट ही नहीं बचेगी। और तो इमरान मुझे आपकी बात से याद आया, मेरी तरह आप भी जो पिछला रिजीम था उसके बड़े क्रिटिक रहे, मैं आपके ट्वीट्स देखता रहा हूं कि आप बड़े क्रिटिक रहे हैं कि वसीम खान एंड कंपनी की पॉलिसियों के हवाले से, वो अपने क्रिकेट को बचाने की बात कर रहे हैं और हम उनकी क्रिकेट को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, बड़ा आपको लगता है बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है? देखें हमने उनकी क्रिकेट को उठाया है और हम उनकी क्रिकेट के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी बदी जब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग का मायार बहुत शानदार है और लोग यहां पर इसलिए इसको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, यहां पर मुसाबकत की क्रिकेट देखने को मिलती है। अली आपको मैं बताऊं कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने हाईएस्ट लेवल पर जाना है। ये लीग जब पाकिस्तान में होगी ना, दुबई में और पाकिस्तान के क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। जब पाकिस्तान में होगी ना मुकम्मल तौर पर और कुछ साल चलेगी, 2-3-4 साल मुकम्मल चलेगी, तो आप देखेंगे जो मुकाबले की फिजा यहां पर बनती है ना वो दुबई से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर आपको लाहौर में और किस्म की बॉलिंग मिलनी है, कराची में और किस्म की बॉलिंग मिलनी है, रावलपिंडी में किसी और किस्म की बॉलिंग मिलनी है, मुल्तान जाएंगे आपको डिफरेंट पिच मिलनी है। तो अभी तो दुनिया ने पाकिस्तान सुपर लीग की जो हकीकी क्रिकेट है उसका मजा देखना है। और इसी तरह से जब आप ये बात करते हैं कि हम उठाकर उनकी क्रिकेट को ले आए हैं और हमारी क्रिकेट में कमी क्या है, ड्रॉप इन पिचेस की बात हम इन दिनों सुन रहे हैं, और देखें जी आपको डायमंड ग्राउंड में बाउंस मिलेगा, आपको गुजरांवाला में बाउंस मिलेगा, आपको क्वेटा के पिच में बाउंस मिलेगा, आप तो कमेंट्री करने के लिए जाते रहते हैं, आपको पता है कि किन किन जगहों के ऊपर पाकिस्तान इतना इतना जरखेज मुल्क है, आपको हर जगह पर हर शहर में एक मुख्तलिफ किस्म का माहौल क्रिकेट देखने के क्रिकेट खेलने के लिए मिलता है। तो जो लोग यहां पर 3 साल तक रहे हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों के पसंदीदा खेल के साथ जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं आज उसका। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको भी पता है कि पाकिस्तान चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे इंटरनेशनल कोई भी डेमोक्रेटिक मतलब पॉलिटिक्स का हिस्सा और कुछ भी मतलब ऐसे मैटर हो उसमें भारत के बिना पाकिस्तान की दाल गल नहीं रही है, और भारत की अगर क्रिकेट टीम एक बार पाकिस्तान का दौरा कर दे तो वहाँ पर सारी टीम फ्री हो जाएंगी, मतलब जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन भारत की टीम ने ऑब्वियसली दौरा नहीं किया था, आपको याद होगा 2000
9 की बात है शायद, जब श्रीलंका की टीम को अटैक हुआ था उससे पहले भारत को ही वो दौरा करना था, भारत ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो दौरा कैंसिल किया और अफरा तफरी में श्रीलंका वहां पहुंचा और अटैक श्रीलंका पर हो गया। तब से लेकर पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम हुई है टीमों को मतलब टूर करने के लिए, हालांकि उसके बाद बहुत सारी टीमें आई हैं, ऐसा नहीं है। 2015 में जिम्बाब्वे आई, वेस्ट इंडीज़ तो वो बुलाते ही रहते हैं जिम्बाब्वे, और ये जो क्या कहते हैं अभी साउथ अफ्रीका भी टूर कर चुकी है, श्रीलंका भी जा चुकी है, बांग्लादेश भी जा चुकी है, बस ये टीम नहीं है। जो टॉप की टीम है जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये नहीं गई हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अगर क्रिकेट को आप देखें तो क्रिकेट तो उनकी अच्छी है, और डेफिनेटली जैसा भारत में क्रिकेट को लेकर कीड़ा है वैसा ही पाकिस्तान में क्रिकेट को कीड़ा है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का कीड़ा है। अच्छी बात है, रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो उनके फैंस के साथ। ये बहुत मतलब बुरी चीज़ है कि इतने साल से उनको क्रिकेट देखने के लिए नहीं मिली है, होना चाहिए उनके साथ, लेकिन उसके लिए उनको सुधरना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वो मतलब अब क्या बोलूँ मैं, वो मतलब हर चीज़ आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। टेररिज्म, ये सब फलाना ठिकाना, बार बार वो बातें रिपीट नहीं करूँगा मैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। आपको क्या लगता है PSL में चुप मतलब साउथ अफ्रीका के प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? हालांकि PSL में टॉप के प्लेयर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं एक साथ, मतलब इक्का दुक्का कर चुके हैं, जैसे एबी डिविलियर्स ने एक सीज़न खेला था दुबई में जो हुआ, तो उसके बाद ऐसे ऐसे कर चुके हैं, लेकिन एक साथ जैसे IPL में होता है वैसे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो इनको एक कंपेयर भी करना रहता है पाकिस्तान सुपर लीग IPL से, ये और वो फलाना ठिकाना, ये इनका चलता रहता है, तो इस तरीके से ये सोचते हैं। आपको क्या लगता है वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ कमेंट।